हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको बहुत बहुत करता हूँ स्वागत अपने चैनल एजुकेशनल प्लान की वीडियो पर आने के लिए। और मेरा नाम है रोशन, आप देख रहे हैं चैनल। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का मेरा वीडियो का मेन टॉपिक है सीबीएसई वीएस बिहार बोर्ड। पूरी सच्चाई आज लेके आऊंगा, सीबीएसई में क्या होती है, बिहार बोर्ड में क्या होती है, क्या है फायदे, क्या है नुकसान, कितनी नजर किसके सामने गिरी हुई है, उन सभी बातों को लूंगा दोस्तों। इस वीडियो में कुछ अभद्र भाषा भी यूज करूंगा, जिन लोगों को ये वीडियो नहीं देखनी है वो अभी स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग की हालचाल कैसी है, सबसे पहले कमेंट में लिख के मुझे बता देना कि आप लोग कैसे हैं। हालचाल लिख के अपने व्यूअर्स से पूछना चाहता हूं, हालचाल कैसी है लिख देना, ठीक है। और दोस्तों, एक बात और कि ये वीडियो मैंने बनाया है झार टेक्निकल रिक्वेस्ट पर, जिन्हें कहा था सर सीबीएसई बीएस बीएसबी के ऊपर वीडियो बनाकर डाल दो, तो मैंने इन्हीं के ऊपर वीडियो बनाकर डाल दी। दोस्तों, मैं आपको याद होगा कि मैंने कल या परसों एक वीडियो डाली थी, ये देख लो, ये वाली वीडियो, इसका थंबनेल है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगी, जाकर वीडियो देख लेना। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, आप लोग कोई टॉपिक है तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और दोस्तों, वीडियो हो शुरू होने से पहले एक बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस बहुत लगती है मेहनत बनाने में वीडियो, तो आप बस एक काम कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा, और वहाँ से हमारे आने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन पर आपको मिलती रहेगी। मैं हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक से लाते रहता हूँ, बस आपको नीचे जानी है और यहाँ से आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लेनी है और घंटे वाले बिल में क्लिक कर लेनी है। चलो शुरू करता हूँ वीडियो बिना कोई फालतू बात के। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर दिख रही होगी दोस्तों, ये कुछ अटपटा सा लिखा हुआ है, मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर रख ली है, आप लोग को मैं वन बाय वन करके समझाऊंगा। अभी आपको अटपटा लगती होगी लेकिन जब समझाऊंगा तो आपको अच्छी लगेगी। चलो देख लेता हूँ इसको। तो नंबर वन आ जाओ, मैंने इसको एक टॉपिक पर जो छाट लिया, देखो सीबीएसई बीएस बीएसबी छाट लिया है, ठीक है। देखो नंबर वन, देख लो, पूरे भारत में, पूरे बिहार में, मैं आपको सीबीएसई बीएस बिहार से बुराई और अच्छाई दोनों बात बोलूंगा। जैसे मैंने कहा था वीडियो के ऊपर में ही कहा था कि जिनको मैं अभद्र भाषा यूज करूंगा, जिनको नहीं देखना है वीडियो तो अभी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, पहले नंबर वन बताइए, देखो सीबीएसई जो होता है ना, पूरे भारत भर में, पूरे भारत में सीबीएसई बोर्ड आप जहां से वहां से पढ़ सकते हैं, आपको इसमें कोई भी आपको इसमें रोक नहीं लगी हुई है। वहीं ले लूँ बीएसबी बोर्ड की, जो कि हमारा बिहार बोर्ड है, उसमें यह बस पूरे बिहार भर में ही लागू होती है। देख लो आप, फिर देख लो यहाँ पर दूसरी चीज कि ये कंपटीशन इसकी पूरे भारत में होती है, दूसरी चीज कंपटीशन पूरे बिहार में होती है, ये था यहाँ समझना। दोस्तों, कंपटीशन जो होती है सीबीएसई बोर्ड की, जो सीबीएसई बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड से एग्जाम देते हैं, उनकी कंपटीशन पूरे भारत भर से होती है, जबकि बिहार बोर्ड से छोटे मोटे बिहार, जो कि सभी की नजर में गिरा हुआ है, उनके बस बिहार से ही होती है और कहीं भी बाहर से नहीं होती है। आप देख लो, फिर नीचे देख लो, पास या टॉप होने पर 85 पूरे भारत में मिलती है, वहीं पास या टॉप होने पर 85 बस पूरे बिहार भर रह जाती है। देखो सीबीएसई बोर्ड अगर पास करते हो, ऐसे कि पिछले बार पास किए थे मित्तल, एक लड़का था वो पास किया था, पूरे भारत भर में न्यूज़ भर में उसका नाम दिखाया गया, खास इंडिया टीवी आप ले लो, न्यूज़ 24, जहां भी आप जाओ पूरे भारत भर में उस मित्तल जी का पिक्चर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया है कि इतना सीबीएसई बोर्ड से यहां से टॉप किए हैं। वहीं इसी बिहार से पास होने वाले जो भी लड़की थी, उनका बस नाम बिहार के न्यूज पर सिमट के रह गई थी। फिर देखो यहां पर दूसरा चीज, यहां पर देख लो आप लोग कि टॉपर्स खेलता है करोड़ों में और यहाँ का टॉपर्स खेलता है लाखों में, ये समझ लो। तो टॉपर जो होती है सीबीएसई टॉपर क्या होती है, पूरे भारत भर से उसके इनाम भर भर पेट करके पूरे भारत भर से आती है। पता नहीं कौन कौन मंत्री, कहाँ कहाँ के मंत्री उनको पैसा देते हैं, जो कि अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं, या फिर कोई अपने आयोजन में बुलाकर उनको इज्जत करते हैं। वहीं तुम आप ले लोगे बिहार का, तो पूरे बिहार भर में आप झूठ फूट का नेता, जैसे नीतीश कुमार जी है या फिर कुछ भी है, 1,75,000 कुछ इनाम रखे हुए हैं, वहीं टॉपर्स को मिलेगी। ऊपर से टॉपर्स को बदनामी अलग होती है, मैं बता दूं, जो बिहार टॉपर करते हैं उनको दो दो एग्जाम देनी पड़ती है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसा होता नहीं है, आपको बस एक एग्जाम पास कर जाना है, बदनामी नाम की वहाँ चीज़ नहीं है। वहीं बिहार बोर्ड में अगर टॉप करते हैं तो वहाँ पर आपको दोबारा एग्जाम देकर अपने आपको साबित करना पड़ेगा, अब नियम आ गई है, ठीक है। टॉपर करने से भी बच्चे यहाँ घबराने लगे हैं। फिर देख लो यहाँ पर आप लोग कि इंग्लिश के कारण शर्मिंदगी कम होती है इनको, और मैथ में इंटेलिजेंट तो होते हैं बिहार बोर्ड वाले, लेकिन इंग्लिश में बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ समझना पहले। देखो इंग्लिश के कारण वो लोग हर जगह अपने आप पर सर ऊंचा कर चलते हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है जो कि पूरे भारत या भी आप जाओ विदेश में जाओ तो इंग्लिश का बहुत काम दे देगी। वहीं बिहार बोर्ड वाले मैथ में जितना बोलो उतना फाड़ कर लिख देंगे, वो किसी के दम नहीं है कि मैथ में उनका पीछा कर देंगे। लेकिन दोस्तों एक जगह देखो बीएसबी बोर्ड में, लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं उनको मात खा जाती है और कहीं ना कहीं वो बुद्धू बन जाते हैं कहीं कहीं। देखो इंग्लिश में क्या होती है ना कि बिहार बोर्ड वाले को पढ़ाया ही नहीं जाता है, बच्चे से ही सिक्स क्लास से तो ABCD शुरू किया जाता है, इसी कारण बिहार बोर्ड वाले की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। वहीं सीबीएसई वालों को देखो तो सीबीएसई बच्चे से अब सिक्स क्लास में जहां हम ABCD सीखते हैं, वहां पर भी सीबीएसई वाले जहां तक लेटर अकड़ा वगैरह सब लिखना सीख जाते हैं। तो कोई ये फायदा होती है सीबीएसई पढ़ने से और बिहार बोर्ड पढ़ने से।
लेकिन एक बात बोलूंगा कि बिहार बोर्ड के मैथ को कोई जवाब नहीं है, मेरे को मैथ में सीबीएसई वाले छू नहीं सकते हैं, लेकिन वहां भी मत खाए जाते हैं बिहार बोर्ड ले। कैसे पूछो, देखो होता क्या है कि मैथ में भी अगर आपको इंग्लिश टर्म में मिल जाए, इंग्लिश वाले टर्म में मिल जाए, तो आप मैथ में नहीं बना सकते हो, क्योंकि हर जगह इंग्लिश टर्म चलती है, तो वहां भी आप मैथ में भी पीछे हो सकते हो बिहार बोर्ड। यही कारण है कि बिहार बोर्ड ले पीछे हो जाते हैं। फिर देखो यहाँ क्या है कि आगे का रास्ता आसान है और आए का रास्ता पूरी मुश्किल। देखो सीबीएसई से पास करो, बस किसी से आप घर जाओ और बाबू कहाँ से पास किया आपने, तो मैं सीबीएसई से 98% लगा, 98% सीबीएसई बोर्ड से, वाह क्या बात है। और वही बिहार बोर्ड वाला बच्चा रहेगा, उससे पूछेगा बाबू आपने कहाँ से पास किया, बिहार बोर्ड से 63%। अरे 63% घटिया नंबर है। मैं बता दूँ कि दोस्तों बिहार बोर्ड का अगर 60% है ना, तो 60% सीबीएसई बोर्ड वालों को लाने में ना, क्या मैं बोलूँ, सीबीएसई बोर्ड वालों को 80% लगभग हो जाती है। अगर बिहार बोर्ड 70% लाता है, तो सीबीएसई बोर्ड वालों को 98% हो जाती है। लेकिन इस बात को सिर्फ बिहार बोर्ड वाले ही समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझते। इसीलिए आगे का रास्ता यहाँ पर आसान है, वहाँ मुश्किल है। फिर देख लो यहाँ पर कि पूरे 20 साल में बदनामी एक बार भी नहीं। देखो टॉपर घोटाला कहाँ नहीं होता है, पहली बात समझ जाओ, टॉपर घोटाला कहाँ नहीं होता है। क्या सीबीएसई बोर्ड वाले में नहीं होते होंगे? मैं मान नहीं सकता हूँ सीबीएसई बोर्ड वाले टॉपर कराते नहीं होते। जो टॉपर करते होंगे उसको कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई हेल्प करता ही होगा, हम थोड़ी जाते हैं देखने। लेकिन देखो तो मीडिया वाले उसके पास एक बार भी नहीं जाएंगे पूछने की, हाँ कि आपने क्या किया, कैसे पास किया, एक बार भी उसकी इंटरव्यू नहीं आएगी। लेकिन तो बिहार बोर्ड से अगर कोई घोटाला करता है या फिर कुछ होता है, तो बस उसको मीडिया वाले इतना बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, पूरे भारत में बिहार को बदनाम करते हैं बिहार बोर्ड को। ठीक है, टॉपर का तो वहाँ भी होता है लेकिन वहाँ पर छिपा लिया जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड वाले बेवकूफ़ इंसान होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो अपने टॉपर घोटालों को चुन नहीं पाते हैं, ऊपर से मीडिया के सामने में और उसको जाहिर कर देते हैं, तो ये सब परेशानी वहाँ से हो जाती है। आगे देख लेता हूँ। फिर देखो आप, देखो नेक्स्ट टॉपिक में चलता हूँ कि टॉपर घोटाले पर सामने नहीं आता। देखो एक पहचान लो कि टॉपर घोटाला कहाँ नहीं होता है, मैंने कहा था पहले ही होता है वहाँ टॉपर घोटाला, लेकिन उसको सामने आता ही नहीं है। वहाँ की बातों को वहाँ मीडिया जाती ही नहीं है पूछने, जानती है सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तेज ही होंगे, वहाँ नहीं जाएगी पूछने। लेकिन अगर बिहार में टॉप कर दो ना, सबसे बड़ा नुकसान बिहार में ही टॉप करना। बिहार में टॉप किए तो दिन रात ताता लगी रहती, कम से कम ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछी जाएगी आपसे, मीडिया वाले क्या करेंगे, एक अपना लिस्ट तैयार कर लेंगे और आपसे पूछने पूछने आएंगे, ये क्वेश्चन बता दो बता दो। और ऐसा जरूर है कि कोई ना कोई बच्चा का फंस गया, तो वहाँ कहा जाता है कि बच्चा टॉपर घोटाला हुआ है, तो ये परेशानी यहाँ हो जाती है। दूसरा देखो, नज़र पर वाहवाही होती है। सही बात है, जहाँ पर आप इतना सारा चीज़ चल रहा है वहाँ वाहवाही तो होगी, बस सीबीएसई बोर्ड मान लो बस तेज होगा बच्चा, बस आदमी यही मान लेता है। नज़र में घटिया होती है, मैं जैसे चाहता कि शाहिद जाहिर बात नज़र में घटिया ही होगा। फिर देखो दूसरे प्रदेशों में इज्जत होती है, वहीं दूसरे प्रदेशों में बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक बात यहाँ समझ लेना, ये सब बात सही है, तो एक बात समझ लेना कि देखो बिहार बोर्ड को बदनाम करने में आप ही लोग कहा थे, कैसे बात है देख लो, समझ लो। बिहार बोर्ड में कुछ भी कोई टॉपर घोटाला करता है या फिर कुछ भी होता है टॉपर, तो वो बढ़ा चढ़ा कर इतना यूट्यूब पर बच्चे लोग इतना छा देते हैं ना, बिहार वासी खुद कुछ व्यूज पाने चक्कर में इतना छा देते हैं बिहार बोर्ड में ये टॉप किया, ये घोटाला हुआ, ये नहीं जानता, वो इतना ज़्यादा छा देते हैं कि बिहार की बदनामी वो खुद करवा देते हैं। देखो बिहार स्टेट सबकी है, किस स्टेट में घोटाला नहीं होती है, यही मैं कहूँगा, सभी स्टेट में घोटाला होती है, लेकिन छाना उसको कोई नहीं छाता जितना बिहार वासी छाते हैं। तो बिहार वासी वालों से यही अनुरोध है कि इस काम को थोड़ा सा ब्रेक लगाए, ठीक है। और दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों को मेरी बात चुभी होगी दिल से उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो तो अच्छी बात सबको चुभती ही है। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो नीचे कमेंट करने वाले हैं आलतू या फालतू, मैं उनको बता दूँ कि आलतू फालतू कमेंट करने से पहले पूरे वीडियो देख कर समझे। और आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को चैनल को लाइक कर दीजिएगा इस रति को। और यार इस वीडियो बनाने में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने लिया है, बहुत सारी मेहनत किया है, तो आपसे एक अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटे वाले बिल अगर क्लिक करते ऐसे वीडियो पाता रहूँगा। और दोस्तों दूसरी बात, दोस्तों अगर आपके पास कोई और टॉपिक है वीडियो बनाने के ऊपर में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो डाल दूंगा। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बाय।